नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ में अखिलेश कुमार पुलिस महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र द्वारा पुलिस लाइन आजमगढ़ के सभागार कक्ष में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य, अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेन्द्र लाल व जनपद के सभी सर्किल के क्षेत्राधिकारी गण व सभी प्रभारी निरीक्षक, थाना अध्यक्ष व शाखा प्रभारियों के साथ आगामी त्योहारों के दृष्टिगत समीक्षा बैठक की गई। आगामी त्योहार को सकुशल संपन्न कराने व शांति सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत उपस्थित सभी अधिकारीगण को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मीटिंग के पश्चात आईजी द्वारा आगामी त्योहार के दृष्टिगत थाना कोतवाली क्षेत्र के चौक, तकिया, सब्जी मंडी आदि मिश्रित आबादी व संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया गया। ताजियादारों व अखाड़े के आयोजकों से जुलूस के संबंध में वार्ता की गई। परंपरागत रूप से ये त्यौहार मनाए जाए, करबला में जो ताजिया दफन किया जाता है उसका निरीक्षण किया गया। मिश्रित व संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन से निगरानी की गई है। थाना क्षेत्र के लोगों से आपसी सौहार्द व शांतिपूर्वक ढंग से त्यौहार मनाने की अपील की गई है। आज आईजी सर के निर्देशन में, सर की मौजूदगी में थाना क्षेत्र कोतवाली में चौक, तकिया एरिया, सब्जी मंडी, कटरा, इन सब क्षेत्रों में जो मिश्रित आबादी के क्षेत्र हैं और संवेदनशील हैं उन पे फ्लैग मार्च किया गया, रूट मार्च किया गया। ताजियादारों से बात की गई, कहाँ पे ताजिया स्थापित होगा। कुछ जो अखाड़े हैं जिनका जुलूस निकलता है उनसे वार्ता की गई। उनको बताया गया कि जो निर्धारित हाइट है और परंपरागत आयोजन है उसके अलावा और कुछ नहीं अलाउ होगा। सिर्फ परंपरागत आयोजन परंपरागत रूट से अलाउ किए जाएंगे। जो करबला जहाँ पे ताजिया दफन किए जाते हैं वहाँ का देखा गया और जो उसमें नगर पालिका और अन्य एजेंसी से सहयोग की आवश्यकता है उसके बारे में बातचीत की गई। उसके बाद पूरा शहर के बीच से फ्लैग मार्च करते हुए यहाँ पे समाप्त किया गया है। ड्रोन से भी निगरानी की गई है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि घर की छत पे किसी पे ईंट पत्थर रखे हों, उसको हटवाया जाएगा। और जो लोकल स्थानीय थाना प्रभारी हैं और उनकी फोर्स है उनको बताया गया है कि इन त्योहारों के दृष्टिगत लगातार भ्रमणशील रहें, संवेदनशीलता को देखते हुए जो मिश्रित आबादी के क्षेत्र हैं वहाँ पर पिकेटिंग व्यवस्था रखें, खुद भी मौजूद रहें। अभी तक एकदम पूर्णतः शांति है और ये आगे भी भ्रमण जारी है। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।